हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ देखिए, मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग गई थी, बीपी ज़्यादा हो गया था, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो मैं दिन भर की पूरी वीडियो डाली हूँ आप लोगों के साथ में, तो पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा गाइस, क्योंकि 3-4 दिन से मैं वीडियो जमा करती रहती हूँ ना, तो फिर एक साथ सब वॉइस ओवर करती हूँ। यहाँ 2 दिन पहले देखिए, बच्चों के लिए मैंने ब्रेड का नाश्ता बनाई थी, बहुत ही यम्मी बना था माशाल्लाह। मगर आज तो बहरहाल मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और ये कल की वीडियो है। आज सुबह जब मैंने उठी ना संडे के दिन, अचानक से ना पूरी सूज गई थी मैं, इतनी सूजी थी ना कि मेरी आँख, मेरा मुंह सब एकदम से आँख छोटी छोटी सी हो गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड आए, मैं उनको बताई, पता नहीं मुझे क्या हो गया, देखिए और चक्कर भी आ रही है, सूजन चढ़ गई है। तो फ़ौरन से मुझे दवा खाना ले गए, तो चेक करे तो बीपी ज़्यादा हो गया था। फिर वही ग्लूकोज चढ़ाया, दवा वगैरह दिया, तो बहरहाल शाम तक आराम हो गया। जैसे टेंशन हो जाता है ना, शादी नज़दीक आ रही है इसकी वजह से, और तब क्या मैं बोलूँ आप लोगों को, चलो जैसा भी है अल्लाह पार करेंगे सब दिन, अल्लाह पे भरोसा है मुझे। बस यहाँ दूध में अंडा और शक्कर डाल ली थी, और एक 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 मैं तल ली थी। एक साथ भी तल सकते हैं पूरा 4 को करके, मगर मैं अलग अलग इसके लिए तली थी कि अंदर ना अंडे का भी साइन ना आए, तो इसके लिए मैं सब अलग अलग तल के फिर एक साथ 4 कर ली थी। और ये वीडियो मैं यूट्यूब पर देख कर ही बनाई हूँ, चेक करी मैं, देखूँगी कैसा लगता है बच्चों को नाश्ते में। मैं बच्चों को उतना खास पसंद नहीं आया, जो बच्चे की शादी है वही पूरा खाया, उसी को अच्छा लगा। एक आधा मैं खाई, एक आध चम्मच, बाकी का पूरा वही खा लिया, उसको अच्छा लगा। बाकी के छोटे बच्चे तो नहीं खाए, अगर वो खाते तो मैं और भी ज़्यादा बना देती, मगर वो लोग नहीं खाए। यहाँ देखिए, मेरे को भी अच्छा लगा और बच्चे को भी अच्छा लगा, 4-4 का बनाई थी मैं। तो यहाँ नेक्स्ट डे हो गया था गाइज, जैसे कि मैं बताई ना 2-3 दिन की वीडियो, जैसा कि मैं वो वीडियो डालती हूँ तो वहीं से स्टार्ट कर देती हूँ वीडियो बनाना। तो यहाँ सुबह नाश्ते में अनीस कीमा पाव ला दिए थे मेरे को, मतलब ये संडे के दिन की वीडियो है, और जो अभी मैं ब्रेड बनाई थी तो उसके पहले के दिन की वीडियो थी, शनिचर उनिचर की, जुम्मा शनिचर की शायद थी वो। तो यहाँ नाश्ता में यही ला दिए थे, कीमा पाव, और फिर मैं अनीस खा लिए थे। बच्चे तो सुबह स्कूल रहती है ना बच्चों की, तो वो लोग पैसा ले जाते हैं, फिर वो लोग को स्कूल में भी कुछ नाश्ता मिलता है, वैसे तो पैसा ले जाते हैं और कुछ नाश्ते में भी घर से भी ले जाते हैं वो लोग को, जो लगता है मैं डब्बे में डाल के दे देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ हम दोनों ने नाश्ता वगैरह कर लिए थे, फिर मैंने काम वाम करी, और संडे के दिन नाला आ गया था ना, इतनी बीमार थी, फिर भी मैंने पूरा काम घर का करी। इतनी बीमार थी कि मैं, मतलब क्या ही मैं बोलूँ आप लोगों को, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मगर काम नहीं छोड़ती मैं, दवा खाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतने लोग आते हैं, किसी से करा लो, मगर मेरे को नहीं पड़ता किसी का बाबा। पहले जब तानिया पेट में थी तो मैं कोई भी आता था ना उनसे करा लेती थी, बहुत लेडीज़ लोग आते थे, कराती थी, करते भी थे वो लोग, ऐसी बात नहीं है, मगर मुझे नहीं पड़ता। अब मैं सब छोड़ दी, मैं खुद कर लेती हूँ अपने हाथ से ही। तो आप लोग तो मेरी शॉपिंग वगैरह देखते ही होंगे, है कि नहीं, घर का होम रूटीन आप लोग सब देख रहे हैं, तो मुझे क्या बोलना है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, मगर बस नहीं जमता मुझे, बस 1 रूम का घर है, बस थोड़ा फैमिली ज़्यादा है तो और क्या, और थोड़ा थोड़ा हस्बैंड भी कराते, ऐसी बात नहीं है। जुबैर तो बहुत करवाता है, बहुत ज़्यादा लड़का है, मगर बहुत काम करता है जुबैर, अल्लाह उसको हिम्मत दे और उसको कामयाब इंसान बनाए। मेरे दिल से मेरे जुबैर के लिए दुआ है कि अल्लाह उसको कामयाब इंसान बनाए, इतना समझदार बच्चा है ना, क्या ही मैं बोलूँ, पूरा घर का सौदा, काम, मैं नहीं भी रहूँगी तो आज तक जैसा तैसा सब कर लेता है वो। फिर मुझे करना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बच्चा है तो उससे थोड़ी जमता है, तो मुझे भी करना ही पड़ता है, मगर वो अपने हिसाब से सोचता है कि अम्मी को तकलीफ़ ना हो, मैं काम थोड़ा बहुत अम्मी का हाथ बोट बटा दूँ, ऐसा सोचता है वो, मगर मैं तो सब कर ही लेती हूँ, दवा खा के काम अपना चालू रखती हूँ मैं घर का। यहाँ देखिए, मैं पूरा ज़मीन वगैरह पोछ लूँगी, क्योंकि आज नल का दिन था ना, तो सब पीने का पानी उनी बोतल तो भरे थे ना, तो सब गिरने लग जाता है, और जब से नवी मोटर लाया तो बहुत फास्ट पानी आता है, बिल्कुल भी मतलब 5 मिनट भी छोड़ नहीं सकते, तो पूरे घर में पाइप उड़ने लग जाता है, ऐसा मसला है। यहाँ देखिए, मैं पोछ दी थी, अब यहाँ का बाकी थोड़ा पोछ लूँगी, रुक रुक के पोछती हूँ, दम आता है ना मेरे को। यहाँ देखिए, वही दवा खाना बताया ना, संडे के दिन चली गई थी, तो गाइस बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही थी मुझे, प्लीज़ आप लोग दुआएं भी करिए, और ऐसा नहीं है मैं हिम्मत वाली औरत हूँ, और मैं अल्लाह पे भरोसा भी करती हूँ, चाहे जितनी भी बीमार रहूँ। ये मुझे ना बीपी सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो यहाँ ग्लूकोज वगैरह चढ़ा करके आ गए थे, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग चढ़ गई थी मुझे, हंसते ज़्यादा, आप लोग चेहरे से देख भी रहे होंगे कितनी स्वेलिंग है मेरे चेहरे पर,
और डाइटिंग वाइटिंग भी कुछ नहीं कर रही हूँ कि चलो भाई डाइटिंग है तो कमज़ोरी है, कुछ नहीं, सब खा रही हूँ, सब खा रही पी रही, कोई कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी एकदम लापरवाही करते नहीं है, जैसे भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना फ़ौरन बोलते चलो बड़ा चलो दवा खाना, उठो उठो दवा खाना चलो। सो बस गाइस वीडियो ख़त्म हो रही है, अल्लाह हाफिज़, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।